आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टील इंक्लूड्स पेरिसाइकिल, पिथ, वैस्कुलर बंडल्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये है कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टील कहाँ से आया है। स्टील एक ग्रीक वर्ड से आया है और ये जो ग्रीक वर्ड है स्टील, इसका मतलब होता है पिलर, ठीक है, मतलब खम्बा। पिलर जो है वो कि एक पूरा हमारा कंसिस्ट करेगा कि कोर क्या है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा टीएस आता है उसका कोर क्या होता है, तो स्टील की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो होता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद में उसमें प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि ये भी कोर के अंदर ही आते हैं। फिर अगर हम बात करें वहाँ पे पिथ भी प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे पिथ भी आएगा, अगर पिथ प्रेजेंट होता है तो। अगर एब्सेंट होता है तो कोई बात नहीं है, छोटा सा पिथ होता है किसी किसी में, जैसे डाइकॉट्स में का बड़ा पिथ नहीं होता है, छोटा पिथ होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारी स्टील में आ गई तीन चीजें, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। तो यहाँ पे भी तीनों चीजें हमें गिवन है, पेरिसाइकिल, पिथ एंड वैस्कुलर बंडल्स। तो हमारा आंसर इसमें बन गया आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। तो हो गया आंसर डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।